टूथ डिफार्मिटी, दांतों का टेढ़ा मेढ़ापन, हम लोगों का ख्वाब होता है, एक सपना होता है मोती जैसे दांत होने का, और जब किसी टेलीविजन में टूथपेस्ट का ऐड आता है तो उसमें मोती जैसे दांत ही दिखाए जाते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं हमारे दांत क्यों नहीं है। तो दांतों का टेढ़ापन जो खास तौर से बच्चों में आजकल देखा जा रहा है, उसको ठीक करने की मैं कुछ संभावित दवाएं आपके बीच लेकर आया हूं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक केस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम टूथ डिफॉर्मिटी की बात करेंगे। आज के वक्त में ऐसा एक मशीनी माहौल, मशीनी युग आ गया है कि हम लोग का खान पान, रहन सहन और दिनचर्या मिलके हमारे शरीर को खराब कर रही है, और इसका एक मैनिफेस्टेशन है कि दांत टेढ़े मेढ़े निकल रहे हैं। दांत लोगों के अच्छे मोती जैसे दांत जिसे कहा जाता था, शायद वो अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आज हम बताएंगे साथियों आपको टूथ डिफार्मिटी को ठीक करने की दो कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते साथियों सफर पे, आपको बताते हैं टूथ डिफार्मिटी, टूथ दांत के टेढ़े मेढ़ेपन को ख़त्म करने की, ठीक करने की वक्त के साथ दो कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर एक दवा साथियों होम्योपैथी में जो टूथ की डिफार्मिटी को ठीक करने की आती, टेढ़े मेढ़ेपन को ठीक करने की आती है, वह है सिफ्लिनम। सिफ्लिनम 1 mg की 3 खुराक साथियों 5-5 मिनट के फासले पर उस स्थिति में ली जा सकती हैं जब दांतों में टेढ़ा मेढ़ापन हो, टूथ डिफार्मिटी हो, दांत में रींगन ऐसी महसूस होती हो, लगता हो कुछ गम्स में क्रॉल कर रहा है, उस स्थिति में सिफ्लिनम का प्रयोग करके वक्त के साथ 6-8-10 महीने में दांतों को बेहतर करने का, स्ट्रक्चरली बेहतर करने का एक प्रयास किया जा सकता है। और साथियों दूसरी दवा इस स्थिति की है कि दांतों में अगर डिफार्मिटी है तो मरीज को हेक्ला लावा दी जा सकती है। 3x पावर में एक एक टैबलेट दिन में 3 बार दी जा सकती है। लंबे समय तक यह दवा देनी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दवा दांतों को बेहतर करने में हेल्प करती है। ये साथियों दवाएं थी टूथ डिफार्मिटी को ठीक करने की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। अपने मन के भाव, अपनी राय हमको आप लिखिएगा कमेंट पोर्शन में, और हमको बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों, ये छोटा सा लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लोगों को इसके बारे में बताइएगा, बात को आगे बढ़ाइएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।